My name is Kiran Keshav and I make videos about everything. Hello everyone, welcome back to my channel. And आज का जो वीडियो है वो आप टाइटल और थंबनेल देख के ही आए होंगे और समझ गए होंगे किस बारे में है. तो आपको ये बताने जा रही हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं और फ्यूचर यूट्यूबर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ मैं. यस, यूट्यूब का मेरा पेमेंट आ चुका था दिसंबर में. सो नवंबर का पेमेंट जो था दिसंबर में आया था, एक्चुअली अक्टूबर में आना था, जो कि सिर्फ $2 शॉर्ट थे, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट मंथ में भेज दिया. तो सबसे पहले मैं रिप्लाई करना चाहूँगी उन लोगों को जिनमें से मेरे कुछ अपने लोग शामिल हैं, बहुत थोड़े से लोग, सारे नहीं, जिनको लाइक पर्टिकुलरली एक वन पर्सन जो कि मेरी फैमिली में ही है, उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि यूट्यूब इसको पैसे क्यों देगा, इसको यूट्यूब पैसे क्यों देगा वीडियो बनाने के. तो भैया ऐसे है कि जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी पे एड्स आती हैं, तो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो चैनल वालों को, टीवी के उस चैनल वालों को पेमेंट करते हैं. तो इसी तरह से यूट्यूब भी आपका ज़रिया है, एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिस पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते हैं और लोगों के चैनल्स हैं जिस पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं. और उन एडवर्टाइजमेंट्स को लेने के लिए, लाइक उस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या क्या सफ़र तय करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों से निकलना पड़ता है, वो सब बताने जा रही हूँ. तो वो जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, वो जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, वो यूट्यूब को पैसा देते हैं और उसमें से यूट्यूब 55% जो है वो क्रिएटर्स को देखता है, मतलब चैनल के ओनर्स को जो कि वीडियोस बना के वीडियो अपलोड करते हैं. और तो ये रहा उस सवाल का जवाब. और नेक्स्ट चलते हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं या बनाना चाहते हैं या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. तो अब बात करते हैं कि चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं और चैनल मोनेटाइज कराने के लिए कौन सा दरिया पार करके जाना पड़ता है. तो इसके लिए ये है कि मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए. वो वॉच टाइम आपके किसी दो वीडियोस पे भी 4000 घंटे पूरे कर सकता है और 100 वीडियोस पे भी या 500 वीडियोस पे भी, कितने भी वीडियो हैं आपके चैनल, लोगों ने उसको 4000 घंटे तक पिछले 12 महीनों में देखा होना चाहिए, तो तब आपका चैनल जो होता है रिव्यू में चला जाता है. तो चलिए ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, अपनी जर्नी की बात करने जा रही हूँ कि ये चैनल जब मैंने किसी ज़माने में बनाया था तो मुझे नहीं पता था कि मोनेटाइजेशन क्या होता है और पैसे कैसे मिलते हैं. इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है. जब मेरा एडसेंस का पिन आया था, लाइक एड्रेस वेरिफिकेशन पिन, उसका मैं आई बटन में आपको लिंक भी दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वो वाला वीडियो आप देखना कि पहले पिन वेरिफिकेशन कैसे होता है एंड ऑल दैट, रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होती हैं, वो अलग से वीडियो है. ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में वो सब डिटेल्स नहीं बताने वाली हूँ. तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए कि मतलब किस तरह से चैनल मोनेटाइज हुआ था और कैसे. तो मैं बताती हूँ कि चैनल मेरा, ये तो मैंने ऐसे शौक से चैनल बनाया था. मेरे को सिंगिंग का शौक था, अपलोड करती थी सॉन्ग्स, अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स कैरियोके, तो कभी कर दिया कभी नहीं कर दिया. तो फिर 1.5 साल पहले मैंने देखा कि ये तो लाइक यूट्यूब पे मैंने कुछ अपने कुछ लोग मेरे को सब्सक्राइब करना शुरू हो गए एंड जब मैंने उनके चैनल्स पे जाके देखा तो वो लोग मुझे पता चला कि वो लोग वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं ताकि उनका रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, उनका थ्रेशोल्ड पूरा हो जाए और वो लोग का चैनल मोनेटाइज हो जाए. तो उसको देख के मुझे भी थोड़ा सा लगा वो सब लोग का हो रहा है तो मेरा भी लाइक आई शुड ऑल्सो ट्राई. तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा हो पाएगा कभी, क्योंकि इट्स लाइक अ बिग टारगेट टू अचीव. लाइक इतने सालों में मेरे कुछ थोड़े से सब्सक्राइबर थे, 17 में या कितने में, 18 में शायद 18 में मेरे अबाउट
100 सब्सक्राइबर उस टाइम पे हुए थे और उसके बाद एकदम से बढ़ना शुरू हो गए थे क्योंकि थोड़ा वीडियोस और मैंने मोर फ्रीक्वेंटली डालना शुरू कर दिया था। तो ये तो था मेरा सफ़र जो था पैशन से प्रोफेशन, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि वो कहते हैं ना कि लालच हो जाता है, तो मैंने ये चैनल किसी लालच से नहीं बनाया था। और जब वो रिव्यू में गया था तब भी कोई इतना वो नहीं था मुझे कि पता नहीं हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो ना सही। तो नवंबर 2018 में गया था मेरा चैनल रिव्यू के लिए, जब मेरा वॉच टाइम और मेरा वो सब पूरा हो गया। लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगा, यूट्यूब टुक 4 मंथ्स, 4 महीना लगा मेरा जो चैनल जो मोनेटाइज होने के लिए जो भी था। लेकिन मैंने वीडियोस अपलोड करती रही। और दोपहर की बात है, फरवरी 2019 पिछले साल की बात है, तो मैं सो रही थी तो अचानक उठ के मैंने अपना, जैसे आप चेक करते हो, सब लोग चेक करते हैं फ़ोन, तो मैंने देखा कि मेरे जो यूट्यूब स्टूडियो उसके सारे आइकॉन साथ में ग्रीन 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 आ गए। और बाय चांस मेल चेक किया तो उसमें यूट्यूब का मेल आया हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो मैं लगा रही हूँ ये उसका स्क्रीनशॉट जो उनका लेटर आया था। तो मोनेटाइजेशन के बाद भी मैंने कोई इतना खास उसमें वो नहीं लिया, अभी भी इतना सीरियसली नहीं कर रही हूँ, लाइक इतना जितना वीडियो डालना चाहिए उतना नहीं डाल रही हूँ। तो शुरू में प्रोग्रेस बहुत स्लो था, मुझे पता भी नहीं था एड्स कैसे लगानी है, कितनी एड्स लगानी है, तो किस टाइप की एड्स लगानी है, वो सब डिटेल्स सब उनको पता होगा जिनके चैनल मोनेटाइज्ड हैं, तो उस सब डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक से मैंने उसमें थोड़ा बेटर काम किया तो पेमेंट्स बढ़ती गई। और रिसेंटली लाइक अक्टूबर में आके ऑलमोस्ट लाइक उनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतने पैसे उस पर हो जाएं तब वो यूट्यूब पेमेंट देगा आपको, तो वो थ्रेशोल्ड जो था मेरा सिर्फ $2 से रह गया अक्टूबर में। क्योंकि पहले तो मैंने इतने अच्छे से वीडियोस नहीं, अच्छे से मीन्स इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डाले थे, और फिर मैंने अच्छे से वीडियोस डालना शुरू किया और एक दो वीडियोस मेरी वायरल भी हो गई, उन पे अच्छी रेवेन्यू मिला। तो फाइनली नवंबर में वो थ्रेशोल्ड से काफ़ी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो 11th को जो होता है हर जिस मंथ में, जैसे आपका 30th अक्टूबर को अगर मेरा पूरा हो जाता तो वो पेमेंट मुझे नवंबर में मिलनी थी। तो जैसे 30th को पूरा होता है तो 11th को जो आपका है पेमेंट स्क्रीन जो है एडसेंस की, उसमें जो आपका बैलेंस जो होता है उसमें एक तो आपका जो एड से पेमेंट मिलती है, एक जो होता है यूट्यूब के दूसरी पेमेंट, उसको रेड रेवेन्यू बोलते हैं शायद, तो वो पेमेंट्स भी आपको मिलता है, उसका भी कुछ पोर्शन। तो वो मिला के लाइक मेरे मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया था। तो अब ये सभी के चैनल पे मैंने देखा है कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम लोग ये नहीं बता सकते कि कितने पैसे मिले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन जब फर्स्ट पेमेंट आती है तो उसका मज़ा ही लेकिन उसकी खुशी ही अलग होती है, एटलीस्ट कुछ स्टार्ट तो हो गया। अगर आप अपने पैशन के लिए कर रहे हो तो ठीक है। और कुछ मैंने देखा 12-13 साल के बच्चे अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसमें लगे हुए हैं, अभी रीसेंट एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बच्चों के लिए फ़िलहाल ठीक है एज अ पार्ट टाइम हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं तो करते रहें, लेकिन अगर वो लोग सोच रहे हैं कि एकदम से पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो प्लीज़ डोंट डू दैट। सबसे पहले आपकी जो लाइफ की रिक्वायरमेंट है अपनी फाउंडेशन बनाइए, अपनी ज़िंदगी की नींव रखिए, फिर जब आप मे बी स्कूलिंग वगैरह हो जाए, कॉलेज वगैरह चले जाएं, तो ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, मेरी अपनी सोच है जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैंने यही लोग फिर जब अपने पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती तो यूट्यूब का सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, लाइफ में आगे बहुत कुछ एजुकेशन ना होने की वजह से सफ़र करना पड़ता है, मैंने देखा है लोगों को। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन, बिल्ड योर प्रोफेशनल कैरियर। तो अभी जैसे इंडियन आइडल पे मैंने देखा एक लड़की सीए छोड़ के सिंगिंग के लिए चल पड़ी थी छोड़ के, अब वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपका करियर। सब लोग
मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की तरह ट्वेल्थ करके हिट नहीं हो जाते हैं, वो भी वहाँ भी एक लक और चांस की बात होती है। तो प्लीज़ पहले अपने, ठीक है यूट्यूब कीजिए, वीडियोस बनाइए, लेकिन पहले अपना फाउंडेशन, अपना बेस, अपने करियर का बेस बनाइए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये बता दूँ कि यूट्यूब को आप ये सोच के मत चलना कि इसमें कोई जादू हो जाएगा। बहुत लोगों का हो जाता है, बहुत का नहीं होता है। तो जस्ट बताना चाहती हूँ कि ये सोच के मत करना कि हाँ भी पैसे इमीडिएटली मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छे वीडियो डालने पड़ते हैं। और मैं अभी देखती हूँ कि मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ नहीं है मेरे चैनल पर। तो हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने पुराने वीडियोस से तो उससे बहुत बेटर हैं। तो आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अपने पुराने वीडियोस को डिलीट मत करना। मैंने कुछ लोगों के बातों में आके मैंने डिलीट कर दिए थे। वो जो पुराने वीडियोस हैं ना, वो हैं आपकी इंस्पिरेशन, वो हैं आपकी मोटिवेशन। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से चले थे, क्या करते थे और अभी आप कहाँ हो। तो उन वीडियोज़ को प्राइवेट या अनलिस्टेड कर देना। जिनके चैनल हैं वो समझ गए होंगे कि अनलिस्टेड कैसे करते हैं और प्राइवेट, डोंट डिलीट देम। तो वहीं से आपको पता चलेगा। और मैंने बहुत सारे डिलीट कर दिए थे, लेकिन बहुत सारे अभी ख़राब वीडियो मेरे चैनल पर है। कुछ लोगों ने जो मेरे साथ के उस टाइम के थे, बहुत सीरियसली काम कर रहे थे, तो उनके कुछ एक के तो चैनल बहुत आगे जा चुके हैं और कुछ एक के चैनल मुझसे भी लाइक पीछे, क्या मेरे आसपास भी नहीं है इतने पीछे हैं। और कुछ एक को फिर से दोबारा शुरू करना पड़ा था क्योंकि उनको उस चैनल पे कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, डोंट गिव अप। आपको पूरा अपना पूरा हौसला और हिम्मत बनाए रखना है कि नहीं, ये काम करना है तो करना है, लेकिन जादू कुछ नहीं होने वाला है। जादू हो भी सकता है, कुछ एक की एक दो वीडियो वायरल होगी, सेकंड वीडियो डालते ही वायरल होगी, कुछ एक की फर्स्ट वीडियो वायरल होगी। तो इसमें दिस इज़ ऑल लाइक यू डोंट नो। और कई बार हम ऐसे होता है कि वीडियो बहुत अच्छा बनाया मैंने, अपनी तरफ से हम सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उस पर 10-15 व्यू आते हैं, 100 व्यू आ जाएंगे, 150। लेकिन मेरे कुछ चैनल पर मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाए हैं जिन पे आप कुछ जाके देख भी सकते हैं कि इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। ऐसे ही 2 मिनट का वीडियो मतलब हंसी मजाक में बना के उल्टे हाथ से फेंक दिया, तो उस पे व्यूज़ आ गए। और कुछ पे इतनी मेहनत की है कि उन पे कुछ भी नहीं हुआ। तो सो डोंट जज योर सेल्फ, लेट पीपल जज यू, लेट यूट्यूब जज यू, लेट द डेस्टिनी जज यू और लेट द चांस जज। अब मैं मोटिवेशन की बातें करने जा रही हूँ। शुरू में आपका वीडियोज़ अच्छा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, जैसा बनता है बनाओ, हिम्मत करो। और जैसे जैसे बनाते जाओगे, शेयर करते जाओगे, लोगों की फीडबैक मिलेगी, व्यूज़ मिलेंगे, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ आप कैसा काम कर रहे हो। तो मतलब छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। और मैंने तो देखा है कुछ चैनल्स पे सिर्फ उन्होंने कुछ बोला भी नहीं हुआ है, सिर्फ ना कि वॉइस है, सिर्फ म्यूज़िक है और वीडियो है, और वो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। तो अपना काम करते जाइए। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा तो अभी भी इतना ग्रेट चैनल नहीं है, इतना ग्रेट काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुतों से बेटर कर रही हूँ। तो हाँ, एक चीज़ और आपसे बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके वीडियोस कुछ लोगों के बहुत ग्रेट नहीं होते हैं या क्या होता है, नेगेटिव लोग आके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। मैंने देखा रिसेंटली मेरे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जिनके मैंने देखा कि लोग जाके वहाँ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ ट्रोल्स भी आएंगे, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। टचवुड, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, भगवान की और जो भी कह सकते हो, आई हैव बीन लकी कि ट्रोल्स से बादशाह नहीं पड़ा। लेकिन रिसेंटली अभी मेरी एक वायरल वीडियो पे एक बंदा शुरू हो गया था, फिर उसको कैसे हैंडल किया, उनको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने सोच रखी है जो बनाऊंगी कि हाउ टू डील विद ट्रोल्स एंड नेगेटिव पीपल। तो उनकी परवाह नहीं करना है, उनसे डरना नहीं है। आप अपनी बोलना चाह रही हूँ। तो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेरे कुछ वीडियोज़ जो मैंने शुरू में मुझे लगा कि ये तो चलेगा नहीं, मतलब थोड़े से व्यूज़ आए, तो कौन से वीडियो पे कब व्यूज़ आना शुरू हो जाए कुछ पता नहीं है। यू डोंट नो कौन सा वीडियो कब चल पड़े। तो मेरे कुछ वीडियोज़ हैं एक एक साल के बाद भी चले हैं, 6 महीने के बाद भी चले हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि वो वीडियो कितने पुराने हैं और उन पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं अभी तक भी।
पहले मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बनाया है, तो मैंने सोचा तो बनाना तो चाहिए क्योंकि उनके वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, क्योंकि ये वीडियो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। इसलिए मैंने भी सोचा, जैसे मनोज डे हैं और कई बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनमें से एक लाइक इंग्लिश चैनल है, उसका चैनल का नाम है द कंटेंट बग। उसने बताया कि उसका चैनल पे 1.5 साल में सिर्फ 300 सब्सक्राइबर हुए थे 1.5 साल में, एंड वो उसने खूब स्ट्रगल किया, और रिसेंटली आके उसका चैनल जब ग्रो करना शुरू किया है तो 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई थिंक अबाउट 58,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके चैनल पे आज। तो कब ग्रो करना शुरू करेगा पता नहीं है। जुलाई में उसके 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और जुलाई से अब तक उसने 58 लाइक शी इज़ टचिंग अबाउट 60,000 सब्सक्राइबर्स। तो डोंट लूज होप, अगर प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, और वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी कुछ महीने पहले तक तो मैं वीडियोस अपने आईफोन से ही बनाया करती थी, मैंने कैमराज लिए, गोप्रो लिया, DSLR लिया, लेकिन वो सब मुझे लाइक आई डिडंट फील कम्फर्टेबल। और रिसेंटली मुझे लगा कि नहीं, अभी कॉम्पैक्ट कैमरा, कुछ अदर यूट्यूबर्स के वीडियोस देखती थी, और आपके लिए भी एडवाइस है कि आप जितना हो सकता है मैक्सिमम वीडियोस देखो, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग बात करते हैं, किस तरह वीडियो बनाते हैं, किस तरह के वीडियो बनाते हैं। तो मैंने भी यही किया था, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैंने कैमरास लेना स्टार्ट किया, कुछ इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया, तो अभी मेरे वीडियोज़ का क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है, लाइक ऑडियोज एंड विजुअल्स। तो अभी स्टार्ट में ही आपको सारा कुछ इतना स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि मेरी एज और स्टेज और मेरे लाइक हर एक की अपनी सिचुएशन अलग होती है, अफोर्डेबिलिटी अलग होती है, लेकिन यूट्यूब से उतना पैसा नहीं मिलता क्योंकि जितना मैं उससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। और आपको लाइक आपका स्मार्टफोन ही काफ़ी है शुरू में, तो उसी से बनाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जैसे चैनल ग्रोथ होता है और आपको आप सीख जाते हैं कैसे हैंडल करना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ, तो उसके बाद ही आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए। मैंने ट्राईपॉड्स लिया, कैमरा लिया, अभी जिस कैमरा से बात कर रही हूँ वो मेरा M50 है, और मैंने ट्राईपॉड तो मैंने 3-3 ले लिए, और माइक्रोफोन्स लिए, और ये माइक्रोफोन इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि पेमेंट कितना आया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं आता है, ठीक है, आज इतना आया है तो कल ज़्यादा भी आएगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, वीडियोज़ और डालेंगे तो ग्रोथ भी होगी। तो कुछ एक मेरे हेल्थ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं उतना काम नहीं कर पाती, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं जिनकी वजह से मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो मेरे चैनल की ग्रोथ हो रही है, उतनी स्पीडीली नहीं हो रही है जितना ज़्यादा वीडियो डाल रही हूँ, लाइक अब पता नहीं कब लाइक वायरल होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली हो रही है और मैं उसी में खुश हूँ क्योंकि इट्स ग्रोइंग। और कुछ एक के तो बहुत टाइम लग जाता है, शायद मैं बहुत ज़्यादा लकी नहीं हूँ बहुत लोगों की तरह कि किस्मत का एक स्ट्रोक लगा और वीडियो वायरल हुई, और MIC वीडियो भी वायरल हो जाती हैं कई बारी। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो पता नहीं, आई विश कि कोई इंसान होता उन वीडियोज़ को देखने वाला। ये मेरा एक शिकायत है यूट्यूब से कि उन वीडियोज़ को देखने वाला शायद कोई इंसान होता तो वो शायद उनको वो वीडियोज़ हिट नहीं होती। होता ये है कि यूट्यूब का एक वीडियो किसी ने देखा, फिर उसके बाद 10 लोगों ने देखा, 5 लोगों ने और देखा, 50 लोगों ने और देखा, तो जितने ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखते हैं तो यूट्यूब का जो सिस्टम है वो सोचता है कि इस वीडियो में कुछ तो है जो ये इतने लोग देख रहे हैं, तो कुछ कैसे भी किया जा सकता है। तो मेरा यूट्यूब से एक आई डोंट नो ये शिकायत हमेशा रहेगा क्योंकि मेरी वीडियोज़ वायरल नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैंने देखा है ऐ से वीडियो मतलब वायरल हो रखी है पता नहीं किस वजह से। तो
किसी को ऑफेंड करना नहीं है मेरा मतलब, या किसी को छोटा दिखाना नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे मेरे पे एक असर पड़ रहा है, इसलिए मुझे शिकायत तो रहेगी यूट्यूब से। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपना चैनल बनाया था पैशन के लिए, तो मैं हर तरह के जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उस हिसाब से वीडियोस बनाए और अपलोड किए, क्योंकि मैंने किसी लालच की वजह से नहीं बनाया था। और ये यूट्यूब की कमाई से मेरा घर नहीं चलता है, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि इसी को अपना प्रोफेशन बना लूँ, इसी से मेरी लाइक काम भी चलता रहे और पैसा भी मिलता रहे और मैं बिज़ी भी रहूं और तंदुरुस्त भी रहूं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना कि आप कौन सा काम कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं और कौन सा काम में आप एक्सपर्ट हैं और किस में आपका इंटरेस्ट है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि मेरा केस अलग है, आपके लिए मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स, दुनिया क्या ढूंढ रही है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, कुकिंग में अच्छा कुकिंग करो, मूवी रिव्यूज़ में अच्छा मूवी, फैशन में फैशन करो, हॉल्स करो, शॉपिंग अनबॉक्सिंग करो अगर आप करते हो तो, और देर आर सो मैनी, एंटरटेनमेंट है, सिंगिंग करते हो, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उस पर वीडियोज़ बनाओ। शुरू में ख़राब बनेंगी, बाद में एक बार आप शुरू हो गए तो फिर चलते ही रहोगे। और मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी रिव्यू दिया, तो मुझे नहीं लग रहा था उस पर व्यूज़ इतना ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसे मूवी देख के आई, मुझे लगा कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि तानाजी मूवी का मैंने जो अभी रिसेंटली रिव्यू दिया है, तो शुरू में थोड़े से व्यूज़ आए, लेकिन ओवर अ वीक उस पर थोड़े से अच्छे व्यू आ गए हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं वीडियो पे उतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया, मूवी देख के आए, कैमरा खोला, वीडियो रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया, क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक था, इस वजह से उस पर व्यूज़ आ गए। थोड़ा सा और अच्छे से बनाया होता तो और अच्छे व्यूज़ आ जाते। तो मेरी एडवाइस है कि ट्रेंडिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक्स, जो दुनिया ढूंढ रही है, जो दुनिया को ज़रूरत है, उस पे वीडियोस बनाओ। तो इसी के साथ अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और थैंक यू सो मच एवरीवन, सबको अपने दिल से थैंक यू बोलती हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहेंगे। एंड प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एटलीस्ट लेट्स सी इफ दिस वीडियो गोज वायरल। इसी के साथ आई विल टेक लीव ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग।